हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा, बी पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे हम। देखिए, हम हिंदी साहित्य के बी पार्ट थर्ड ईयर में हिंदी आधुनिक काल का अध्ययन करते हैं। कैसे, क्या है आदिकाल? हमने फर्स्ट टर्म अध्ययन किया, ऋतिकाल है या मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल इसको हम सेकेंड ईयर पढ़ा है, और आधुनिक काल है इसका अध्ययन हम थर्ड ईयर में करते हैं। तो उसे इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हम आधुनिक काल का परिचय प्राप्त करते हैं कि आधुनिक काल में किस प्रकार क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और जो पुरानी परंपराएं थी, पुराने जो तरीके थे, उनमें क्या क्या विशेष परिवर्तन हुए, इसको हमको संक्षिप्त रूप में समझना है। पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि आदिकाल कब से, आदिकाल कब से कब तक था, ऋतिकाल कब से कब तक था, भक्तिकाल कब से कब तक था, और आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ है। तो ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आधुनिक काल का प्रारंभ से है। बात आपने पिछली बार खूब अच्छी तरह समझा कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हो रहा है, 1842 ईस्वी से। कुछ स्थानों पर अगर तो हम संबंध में देखते हैं तो 1900 से इसका प्रारंभ होता है, यानी तो भी संबंध में, सॉरी इस संबंध संबंध में और इसी में 57 साल का अंतर है। कितने वर्ष का? 57 साल। इस आधार पर अगर इसी में देखें तो 1800 ईस्वी से आधुनिक काल का प्रारंभ है। तो वहीं दूसरी ओर अगर संबंध में जब इसको देखा जाए, विक्रम संबंध के आधार पर, तो 1900 संबंध से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। दूसरी तरफ अन्य विद्वान जो थे उनका मानना यह था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के साथ ही हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। इस आधार पर उन्होंने हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ कब, सत्र है, वर्ष है, वो 1857 को माना। तो दूसरी ओर जो अन्य समन्वयवादी विचारधारा के जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, साहित्यकार थे या विश्लेषणकर्ता थे, उन्होंने ये बताया कि 1843 और 1857 इनको छोड़कर इनकी जगह लगभग 1850 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसका प्रारंभ 1857 में माना जाता है, 85 माना जाता है, और 43 ईस्वी में माना जाता है। तो इनमें अभी कंफ्यूज नहीं होता है। अगर क्लियर बात पूछे तो 1800 क्लियर है, संबंध में देखिए तो 1900 संबंध क्लियर है, 50 और 57 और 50 भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये तो हमारा आधुनिक काल का प्रारंभ। मैंने पिछले वीडियो में इस युग के प्रारंभ होने के बाद जो जो विचारधारा आई, जो जो धारा आई, जिन जिन युगों में उस काल को बांटा गया, से लेकर लगभग अब तक जो इतिहास है उसको किन किन रूपों में बांटा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1843 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ध्यान देना है 1900 ईस्वी है, मैं बात कर रहा हूं ईस्वी सन की, क्योंकि ईस्वी सन में और 57 साल का अंतर है। 1843 से लेकर 1900 ईस्वी ये सब सम्मत है, विक्रम सम्मत, ये दोनों एक ही ये अलग है। तो 1843 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड था वो भारतेंदु काल के नाम से जाना गया, और भारतेंदु काल को पुनः जागरण काल भी कहा गया है, ये आपको ने पढ़ा है। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो कालखंड था उसका नाम दिया गया द्विवेदी काल,
और वो किन के नाम पर दी गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो नाम है उनकी लेखन शैली, उनका सहयोग सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी में जो विकास किया था, हिंदी में सुधार लाए थे, भाषा को सुधारने का जो प्रयास किया था, उनके आधार पर उस युग का नाम बस 1920 से 1918 ईस्वी तक का जो समय है उस कालखंड को द्विवेदी काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दिया गया। इसमें सुधार भाषा में बहुत हुए थे, इसलिए इस काल का नाम भी जागरण सुधार काल भी कहा गया। अच्छा, और 1918 से 1936 तक का जो समय है, गांधी जी 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का इस काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, इन चारों ने मिलकर विशिष्ट प्रकार की रचनाएं की। रहस्यवाद मुझे लगता है तो सचिनवाद मुझे लगता है, अब रहस्यवाद जनक के कारण किसी को रहस्यवादवादी युग भी कहते हैं। सुचिता की प्रवृत्ति भी थी, अपनी इच्छा के अनुसार रचना किया करते थे, कोई रहस्यवाद को व्यक्त कर रहा है, कोई प्रकृति का चित्रण व्यक्त कर रहा है, तो कोई आत्मिक पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, कोई विरह को वर्णन कर रहा है, कोई अपने अध्यात्मिक को ढूंढ रहा है, तो अलग अलग विचारधारा को साहित्य में प्रस्तुत करने का प्रावधान हो गया था, तो उस आधार पर उसको सुचिंतावाद भी कहा गया 1918 से 1936 तक। लेकिन 36 तक आते आते क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, भगवान श्री कृष्ण गीता ने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और उसका होना भी आवश्यक है, तो उस आधार पर यह परिवर्तन होता है। 36 से लेकर 1942 वो प्रगतिवाद के नाम से या विकासवाद के नाम से जाना गया। इसमें क्या था कि रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने देखा कि समाज में शोषण हो रहा है, दो वर्ग पनप रहे हैं, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, और जो बीच का मध्यम वर्ग जो थोड़ा सा निम्न वर्ग से उठ जाता है, थोड़ा सा संपन्न हो जाता है, और उच्च वर्ग से जो पत्र होकर या फिर गिर करके या पतित होकर या फिर बर्बाद होकर के एक निम्न वर्ग में आ जाता है, वो न तो निम्न का रहता है न उच्च का रह पाता, वो मध्यम वर्ग के, तो मध्यम वर्ग का उसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन निम्न वर्ग का शोषण हो रहा है और उच्च वर्ग का शोषण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति की जो परिस्थिति थी समाज में दुख गए थे, ऐसे कष्ट थे, उन कष्टों को इस युग में इसको विकासवाद या प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, उनकी जनता की पीड़ा को खासतौर से किसानों को मजदूरों को, हालांकि सभी का वर्णन करने का विद्वानों ने कभी चेष्टा की है, लेकिन विशेष तौर से जो गरीब वर्ग था, निम्न वर्ग था, मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, उनकी पीड़ाओं को इस युग में कविताओं के रूप में प्रस्तुत करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, तो उस युग को विकास के नाम पे जाना गया, विकास करने वाला, प्रगति करने वाला, इससे इस युग का नाम प्रगतिवाद कहा गया। और 42 से क्योंकि साहित्य में जैसे जैसे विकास होता है, परिवर्तन भी होता है और थोड़ा सुधार भी होता है, तो इस युग में कभी भी जब दिग्विजय पुरानी परंपरा रचने लिखते आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और कुछ नई लिखने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि आदमी हटके चलता है, कहते हैं कि शेर होता है अपने रास्ता बदल के चलता है, रास्ता बनाकर चलता है, वो पुराने बने बनाए रास्ते को नहीं ढूंढता है, वो अपना खुद का बनाता है, तो नए नए परिवर्तन करने की उन्होंने चेष्टा की और उसे प्रयोग किए, तो इस युग का नाम, इस समय का नाम प्रयोगवाद के नाम से जाना गया। यह नाम सुना गया प्रयोगवाद, उन्होंने नई नई तकनीक अजमाई, नई नई ग्रुप को पहले चला करते थे, उन ग्रुपों को छोड़ा, उन धारा को छोड़ा, उन विषयों को छोड़ा और नई विषय अपनाए, इन्होंने आम जनता को आधार बनाकर आम विषय को साधन बोलचाल की भाषा का उन्होंने प्रयोग करके, इन्होंने प्रयोग करके साहित्य की रचना की, तो ये प्रयोगवाद हुआ। और 1951 के बाद की जो कविताएं थी वो विभिन्न धाराओं में, वो एक धारा को आधार बनाकर नहीं चली, अलग अलग धाराओं को आधार बनाकर चली, तो
उनको विद्वानों में एक साथ एक नाम दे दिया बुद्धि नहीं करेगा। इस प्रकार ये बातेंद्रवाद, निमित्तिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नहीं करेगा। ये हमारे हिंदी के आधुनिक काल का कालखंड का विभाजन किया है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और पता चुका हूं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए अब तक हमने थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में पुराना और समझाना चाहता हूं ताकि आपको ये पता लगे क्योंकि सबसे पहला काल था कौन सा हमारा आदि काल। आदिकाल उन्हें यहां बिल्कुल नहीं समझना है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अलग आगे आता है हमारा मध्यकाल और मध्यकाल के दो भाग थे, एक तो पूर्व मध्यकाल था और दूसरा था उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नाम भक्तिकाल नाम से दिया, इसका मूल अध्ययन करना के लिए दोनों प्रश्न हम अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं। आगे आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हमने भूमि काल नाम दिया, क्या नाम दिया? मैं ज्यादा इसमें अध्ययन नहीं कर पाऊंगा, केवल उल्लेख कर रहा हूं। इसकी समय सीमा क्या थी? संवत 1700 से संवत 1900। इसको अगर हम ईस्वी में लिखते हैं तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी का ये जो कालखंड था, इस कालखंड को हमने इंटीकाल नाम दिया। इसमें हमने क्या पढ़ा है ये समझना है और आधुनिक काल में हम हमने आगे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना है, पढ़ेंगे, इसको तुलना को थोड़ा सा संक्षेप में समझना है ताकि आपको एक परिवर्तन क्या आता है समझ आ जाए। तो देखिए हमें रीतिकाल का अध्ययन थोड़ा सा समझना भी क्या हो रहा है और आधुनिक काल में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए रीति काल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि वहां विशेष तौर से ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। क्या होता था? ब्रज भाषा का प्रयोग होता था विशेष तौर से। जितने भी साहित्य ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों की हम भाषा देखें तो लगभग सभी ग्रंथों में ब्रज भाषा का ही प्रयोग प्रचलित हो रहा है। लेकिन अब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में भारतीय काल को छोड़ करके भारतीय काल को छोड़ करके या भारतीय काल से भाषा में परिवर्तन प्रारंभ हो गया था। भाषा में क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था और भारतीय काल को द्विवेदी युग तक आप जाते द्विवेदी युग तक आते आते वही भाषा ब्रज भाषा परिवर्तित होते हुए खड़ी बोली हिंदी में परिवर्तित हो गई। सबसे पहला परिवर्तन अगर आपसे पूछे तो यही है कि ब्रज भाषा परिवर्तित होते हुए भारतीय काल को पार करके द्विवेदी युग तक आते आते वही खड़ी बोली में बदल गई। यानी जो ब्रजभाषा में साहित्य रचना किया करते थे, जो अपने आप को ब्रजभाषा के रूप में रचना करके गौरवान्वित महसूस किया करते थे वही खड़ी बोली हिंदी में रचना करने लगे। तो सबसे पहला परिवर्तन तो भाषा का होता है। हालांकि भाषा कोई ऐसी मतलब थोड़ी है कि
बटन दबाते बंद हो गई और बटन दबाते चालू हो गई, भाषा में परिवर्तन होना नहीं होता है। आजकल आधुनिक संचार क्रांति हो रही है, इनमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन प्राचीन काल से लेकर अब तक जो मध्यकाल है वहां संचार बहुत धीमे चलता था, तो उस कारण भाषा में परिवर्तन बड़ा धीमे हुआ। आज हम उर्दू क्षेत्रों की भाषा को आसानी से सुन सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, भले से हम उस जगह जाए या नहीं जाए, लेकिन पहले उस जगह भाषा को समझने के लिए उस जगह जाना पड़ता था, उसको सीखना पड़ता था। आज हम घर बैठे ही संचार साधनों के माध्यम से आराम से उनको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उस जमाने की स्थिति ये थी कि उस जगह का प्रसार भाषा का प्रसार बहुत धीमे हो रहा था, इस कारण उनको यहाँ तक आने आने में 1843 से लेकर 1920 तक आते आते बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, उसका प्रसार लोगों में बहुत धीमी गति से हुआ है। लेकिन द्विवेदी युग के आग प्रारंभ होने तक उसमें परिवर्तन होना बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए और द्विवेदी युग के समापन तक लगभग भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। तो सबसे पहला भारतीय हिंदू काल और द्विवेदी काल तक आते आते ब्रज भाषा का प्रयोग बंद हो गया और उसमें साधु खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। ये परिवर्तन होता है ब्रजी काल में या पुराने काल में और आधुनिक काल। दूसरा होता है रीतिकाल में विशेष तौर से बहुत बड़ी परंपरा चल पड़ी थी काम लक्ष्य मृत्यु के, क्योंकि जितने भी कवि थे वो दरबार में राजा के दरबार में रहा करते थे और अपने आप पीएचडी धारित डिग्री दिखाया करते थे, हमने ये काम लक्ष्य मंत्र दिया है और हमें बहुत बड़ी डिग्री मिल गई थी। तो अधिकांश जो काव्य की रचना की जाने लगी थी वो लक्षण ग्रंथ के रूप में की जाने लगी थी, वो हर कोई दरबारी कवि अपने राजा को अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए अपने विद्वत्ता को झलकाने के लिए काव्य के लक्षण ग्रंथ को वर्णन करता, उसने छंदों का अलंकारों का काव्य गुणों का काव्य दोषों का इनका वर्णन किया करता था। तो उनका वर्णन करने के लिए अपना उसके लिए उदाहरणों की रचना करना पड़ता, सभी उदाहरणों का सृजन किया करता था और उनको साहित्य के रूप में प्रस्तुत करता था। लेकिन आधुनिक काल में की परंपरा क्या हुई बंद, ये परंपरा बंद हो गई थी। यहां काव्य लक्षण ग्रंथों की लिखने की परंपरा नहीं थी बल्कि भाषा के प्रयोग के लेख लिखे जाने लगे, भाषा में परिवर्तन के से निबंधों या अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जाने लगा, अन्य विधाओं का प्रयोग किया जाने लगा, यह सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। यहां इससे नफा करना है कि भाषा का माध्यम केवल बंद था, अधिकांश मैं बात छोटे मोटे या अपवाद की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो भाषा का माध्यम था वो पद माध्यम था, रचना का माध्यम क्या था पद माध्यम में रचना संपूर्ण। जितनी रचनाएं थी पद माध्यम में ही रचनाएं लिखी जाती थी, लेकिन आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की जाने लगी, जितना गद्य का प्रयोग होता उससे कहीं गुना ज्यादा पद्य का प्रयोग होता था और जितना पद्य होता उसमें गद्यात्मकता की भावना ज्यादा चलता कर रही थी। तो यहां गद्य का प्रयोग भी बढ़ने लगा, पद्य तो सब पद्य का प्रयोग यहां भी हुआ है यहां भी हुआ है, लेकिन उसके गद्यात्मकता का भाव ज्यादा चलने लगा। ये नीति काल का परिवर्तन दूसरा तीसरा कर रहा था। चौथा परिवर्तन क्या था, विषय, विषय को आधार नीति काल में जो विषय था उस श्रृंगार निरूपण, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसको मैं संक्षिप्त में समझा रहा हूं कि ऑनलाइन में हम ज्यादा हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा हम बता नहीं पाएंगे, कुछ संभव कम रहता है हमारे पास। तो विषय रीति कार्यों का जो विषय था विषय थे उसमें श्रृंगारता का वर्णन विशेष तौर से रहा करता था, क्या करता श्रृंगारता का प्रयोग विशेष तौर से रहा करता था, लेख और श्रृंगारता के अलावा काव्य दोष
मैं इसमें इसकी सौंदर्य का चित्रण, नायिका सौंदर्य का, और वो काल्पनिक चित्रण बिहारी संसदीय संसार की महान रचना है। ऐसी रचना है जिसका अनुवाद विश्व सब सर्वाधिक हुआ है, लेकिन देखते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ ज्यादा ही नजर आती है। बहन इतनी है कि हिंडोरा बनी हुई है, झूला झूलित कर नायिका बन जाती है, अतिशक्तिपूर्ण वर्णन किया है, और विशेष तौर से नीति काल में अतिशक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है, अतिशक्ति को ज्यादा ही वर्णन किया। जबकि आधुनिक काल में ऐसा वर्णन नहीं किया जाता, आधुनिक काल में जन समस्या थी, आम लोगों के कष्ट थे, राष्ट्रीयता की भावना थी, प्राकृतिक चित्रण था, देश प्रेम की भावना थी, भारतीय संस्कृति का गौरव का उल्लेख करना था, ऐसे नवीनतम बिंदुओं को अपनाया जाने लगा था। आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता ये नजर आती है कि इसमें जन भावनाओं को, जन विषयों को सम्मिलित अलग किया गया था, जबकि रीति काल में श्रृंगार है, सौंदर्य निर्गुण है, काव्य शब्द है, बस इन्हीं पर ही निर्भर रह गए थे, बस अपने राजा को प्रसन्न करना, राजा का मनोरंजन करना, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। जबकि राष्ट्रीयता की भावना है, प्रकृति का चित्रण, कलाकृति चित्रण विशेष तौर से हुआ है, और राष्ट्रीयता की भावना भूषण ने रीति काल में भी की है, लेकिन वो एक अपवाद के रूप में है। प्रकृति का चित्रण तो फिर हर काल में होता है और हर काल में होता ही रहेगा। प्रकृति से कोई कोई व्यक्ति के हृदय में कभी भाव है, कभी का हृदय है, प्रकृति को देखकर स्वतः ही जागृत हो जाता है। तो प्रकृति का चित्रण तो हुआ है, लेकिन श्रृंगार पर, सौंदर्य पर, दरबार, राजा के दरबार पर, बस इन्हीं पर सर्वोपरि का कभी सीमित थी। जब आधुनिक काल में राष्ट्रता को उन्होंने अपनाया है, स्वतंत्रता की आकांक्षा रखी है, आम लोगों की जो कष्ट थे, आम लोगों की जो पीड़ा थी, उसको भी उन्होंने व्यक्त करने की चेष्टा की। किस प्रकार अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, धन निष्कासन की जो समस्या थी उसको भी उन्होंने वर्णन किया है, उच्च वर्ग निर्भर पर किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, क्रांति हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सारा का सारा विवरण विस्तार के अंतर्गत आता है आधुनिक काल के अंतर्गत। और यहाँ पद्मभागी नहीं, गद्य में भी विभिन्न विधाय नाटक है, निबंध है, एकांकी है, बहुत सारे अन्य बहुत सारे विधाओं का अध्ययन उन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है, संक्षेप रूप में समझाता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन हमें संक्षेप रूप में समझना है, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, संक्षेप में इसका परिचय देना है। तो आज के लिए इतना ही।